Hello students, how are you? Today I am back in my next video for class 3rd. In this video, I will explain you chapter number 5 of grammar section, which is collective noun. बच्चों मैं आज आप लोगों को chapter number 5 समझाने वाली हूँ, जिसका नाम है collective noun, यानी कि समूहवाचक संज्ञा. Look at the pictures and then read the following sentences. A swarm of bees, a bunch of keys, a flock of sheep. बच्चे इसमें जो word blue में लिखे गए हैं swarm, bunch, flock, ये collective nouns हैं. Here are the swarm, bunch and flock describe some group of groups. Such words are called collective nouns. तो ऐसे जो नाम जो कि हमें किसी group के बारे में बताते, किसी एक ही चीज़ का, मतलब कि कई सारे बीस को मिलके एक ग्रुप बन गया तो वो बन गया स्वाम. कई सारी चाबियों का एक ग्रुप बन गया तो उसका हो गया बंच. कई सारी शीप का एक ग्रुप बन गया तो उसका हो गया फ्लॉक. तो अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन एनिमल और थिंग्स टेकन एज वन इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. तो जब हम किसी पर्सन एनिमल या थिंग का हम एक ग्रुप ले लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. कुछ कलेक्टिव नाउन है मॉब, स्वाम, हर्ड, टीम, पैक, गैलेक्सी, लोफ, क्लास, बंच, फ्लीट, ऑडियंस, लिटर, गैंग, सेट. तो ये सारे आपके जितने भी वर्ड यहाँ ब्लू बॉक्स में आपको पेज नंबर 24 पे दे रखे हैं, ये हैं आपके कलेक्टिव नाउन. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर. एक्सरसाइज ए, दिस एक्सरसाइज यू हैव टू फिल इन योर बुक इटसेल्फ. ये बच्चे आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स में ही करनी है, कॉपी में नहीं करनी है. अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ क्राउड ऑफ पैसेंजर्स, अ ट्रूप ऑफ मंकीज, अ फ्लाइट ऑफ स्पैरोज, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स एंड बनानास, अ पैक ऑफ वुल्व्स, a herd of giraffe, a litter of puppies, a host of pigeons. आप लोगों को पिक्चर दिख रही होगी क्लियर, आप लोग इसे भर सकते हो. नाउ वी विल डू द मैचिंग. गैगल मैच होगा आपका गीज से, गैगल मैच होगा आपका गीज से. फ्लॉक, फ्लॉक होगा आपका शीप से. गैंग, गैंग होता है रॉबर्स के लिए. ट्रूप, ट्रूप होता है एक्टर्स के लिए. क्लास, क्लास पीपल्स यानी कि स्टूडेंट्स के लिए. बंडल, स्टिक के लिए. फ्लीट, शिप्स के लिए. और बैंड, म्यूजिशंस के लिए. मैं रिपीट कर रही हूँ, गैगल है आपका गीज के लिए, फ्लॉक है आपका शीप के लिए, गैंग है आपका रॉबर्स के लिए, ट्रूप है आपका एक्टर्स के लिए, क्लास है आपकी प्यूपल्स के लिए, बंडल है आपका स्टिक्स के लिए, फ्लीट है आपका शिप्स के लिए, बैंड है आपका म्यूजिशंस के लिए. नाउ वी हैव टू सर्कल द करेक्ट कलेक्टिव नाउन. फर्स्ट अ हर्ड ऑफ कैटल, फर्स्ट वाले का आंसर है हर्ड. अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. A flight of stairs, a chest of drawers, a pack of lions. Repeat कर रही हूँ. First का है herd, second में group, third में flight, fourth में chest, fifth में pack. On the other hand, I am going to explain you chapter number 6, singular and plural noun. A noun standing for one person is said to be singular number. A noun standing place more than one person, animal, place or thing is said to be in the plural number. बच्चे वो noun जो एक के लिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं singular number, जिसे हिंदी में हम कहते हैं एक वचन. और जो noun एक से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम कहते हैं plural number, यानी कि बहुवचन. फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स फ्रॉम सिंगुलर. अब हम सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं.
सबसे पहला है सिर्फ एस ऐड करके, जैसे गर्ल गर्ल्स, बर्ड बर्ड्स. बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स, ऐसे कोई वर्ड जो कि एस पे, डबल एस पे, सी एच पे, एस एच पे, ओ पे या एक्स पे ख़त्म होते हैं, उसमें हम ई एस ऐड करके जो है उन्हें प्लूरल में चेंज कर देते हैं. जैसे बस बसेस, डिश डिशेस, एड्रेस एड्रेसेस. फॉर सम नाउन एंडिंग इन ओ ओनली एस, एड एस टू द फॉर्म प्लूरल. जैसे कई सारे वर्ड जो ओ पे ख़त्म होते हैं, हम उन्हें केवल ओ एस ऐड करके भी उन्हें प्लूरल में चेंज कर सकते हैं. जैसे फोटो फोटोज, जू जूज. By changing y into i and adding es, ऐसे वर्ड जो y पे ख़त्म होते हैं लेकिन उनसे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम उसमें क्या करते हैं, y को i में चेंज कर देते हैं और आगे es लगा देते हैं. जैसे लेडी लेडीज़, आप देख रहे हो y पे ख़त्म हो रहा है, उससे पहले d जो है कॉन्सोनेंट है तो हमने y को i में चेंज कर दिया और फिर हमने es ऐड कर दिया. इसी तरीके से बेबी बेबीज, सिटी सिटीज़, चेरी चेरीज़. फॉर सम नाउन एंडिंग इन y एंड प्लस वॉवल प्लस y, एड s टू फॉर्म द प्लूरल. ऐसे वर्ड जो y पे ख़त्म होते हैं लेकिन उनसे पहले वॉवल होता है, वॉवल कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, a e i o u, ये 5 वॉवल्स होते हैं. तो अगर कोई वर्ड y पे ख़त्म हो रहा है उससे पहले कोई वॉवल है तो हम उसे केवल s ऐड करके जो है उसे हम प्लूरल में चेंज कर देंगे. जैसे टॉय टॉयज़, y पे ख़त्म हो रहा है और उससे पहले जो है o आ रहा है, o हमारा वॉवल है इसलिए हमने केवल s ऐड करके और उसे प्लूरल में चेंज कर दिया. टॉय टॉयज़, बॉय बॉयज़, मंकी मंकीज़, इस तरीके से. फोर्थ रूल, बाय चेंजिंग एफ एंड एफ ई इंटू वी एंड एडिंग ई एस. कई बारी वर्ड जैसे एफ या एफ ई पे ख़त्म होते हैं तो हम एफ या एफ ई को वी में चेंज कर देते हैं और ई एस ऐड कर देते हैं. जैसे लाइफ, ये एफ ई पे ख़त्म हो रहा है, हमने इसे वी में चेंज कर दिया और ई एस लगा दिया तो ये हो गया लाइव्स. नाइफ नाइव्स, लीव लीव्स. बाय चेंजिंग वॉवल ऑफ द नाउन, हम इसमें वॉवल ही चेंज कर देते हैं. जैसे डबल ओ जो है वॉवल है, इसकी जगह हमने डबल ई कर दिया. फुट फीट, टूथ टीथ, गूज गीज. इन सम केसेस सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन रिमेन द सेम. कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं. जैसे शिप शीप, शीप, डियर डियर, फिश फिश. द सम नाउन ऑलवेज रिमेन इन द प्लूरल फॉर्म. कई नाउन प्लूरल में ही रहते हैं, ट्राउजर्स, सीजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स एक्सेट्रा. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सरसाइज वर्क. यू कैन सी द एक्सरसाइज वर्क इन द पिक्चर इटसेल्फ. हमने इसे प्लूरल में चेंज करना है. द स्ट्रॉबेरी इज स्वीट, ये आपका सेंटेंस है. इसकी जगह हो जाएगा स्ट्रॉबेरीज आर स्वीट. ये आपने नोटबुक में करनी है एक्सरसाइज. इससे पहले जो मैंने अंडरलाइन किया था, ये मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ये मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है बॉक्स, ये आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन में जाएगा. चैप्टर 5 में भी जो मैंने ये अंडरलाइन किए हैं, ये आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन में जाएगा. इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, सिर्फ ये वर्ड बैंक होगा. ये नोटबुक में होंगे आपके, ये भी नोटबुक में होंगे. इसमें आपका ये येलो बॉक्स चैप्टर इंट्रोडक्शन में जाएगा, फिर ए एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज वर्क में जाएगी. तो स्ट्रॉबेरी की जगह हो जाएगा स्ट्रॉबेरीज और इसकी जगह पे आ जाएगा आर, क्योंकि हम प्लूरल के साथ आर का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ नहीं करते. द लीफ इज़ टर्निंग येलो, इसका आंसर हो जाएगा द लीव्स आर टर्निंग येलो. रिपीट कर रही हूँ, द लीव्स आर टर्निंग येलो. बेबीज आर प्लेइंग विद द डॉल, मैं आंसर्स बता रही हूँ. बेबीज आर प्लेइंग विद द डॉल, फोर्थ का आंसर है. बॉयज़ आर सिंगिंग अ सॉन्ग, फिफ्थ
mice are running in the room, Simran saw 8 white ponies. P-O-N-I-E-S, ponies. My mother has many hobbies. 8, 9, 10 आप लोग खुद करेंगे. बी वाले पार्ट में फर्स्ट वाले में आएगा लेडीज, सेकेंड में ड्रेसेस, थर्ड में बेबीज, फोर्थ में लायंस. देन फॉक्सेस, कंगारूज, फीट, बेंचेस, मंकीज. और ये मैंने दो छोड़ दिए हैं, ये आप लोग खुद करेंगे. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ इन द बुक इट सेल्फ. तो अब हमने ये बताना है ये वर्ड जो हैं आपके सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं. सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में लिख के फिर उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है. मग सिंगुलर है, मग्स हो जाएगा. पीपल दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी. फॉक्सेस प्लूरल है, सिंगुलर है फॉक्स. चाइल्ड सिंगुलर है, प्लूरल है चिल्ड्रेन. ऑक्सन प्लूरल है और इसका सिंगुलर हो जाएगा ऑक्स. बाकी आप पिक्चर्स देख रहे हैं. डी एक्सरसाइज, फर्स्ट में चिल्ड्रेन, सेकंड में शीप, थर्ड में फीट, फोर्थ में वॉल्व्स और 5, 6, 7, 8 मैंने छोड़ दिए हैं. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ इन द बुक. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. बाय फॉर नाउ.